नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन से जुड़ी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स की, उसके साथ ही कुछ माइलस्टोन जो यहां पर बेबी डॉज कॉइन ने कंप्लीट किए हैं, और एक काफ़ी स्पेशल मीम कॉइन ये बन चुका है, और आने वाले टाइम में यहाँ पर इसका प्राइस किस रेंज तक पहुँच सकता है। क्योंकि अगर हम मार्केट की बात करें, मार्केट अभी आप देख सकते हैं BTC जिसने यहाँ पर 42,000 को ब्रेक कर दिया है, और अभी ऑलमोस्ट यहाँ पर $41,000 पर ट्रेड कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 40,000 के ऊपर है, जिसे अगर ये ब्रेक करता है तो हमें थोड़ा और डाउन में आता हुआ नज़र आ सकता है, और इसी वजह से जितने भी कॉइन्स हैं उनमें यहाँ पर अच्छा खासा प्राइस नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बेबी डॉज कॉइन की बात करें, अभी ट्रेड कर रहा है INR में 0.000020 पर, लास्ट 24 आवर्स में ऑलमोस्ट यहाँ पर 8% इसका प्राइस गिरा हुआ है, 6-0 के साथ बना हुआ है INR में। अगर हम डॉलर में देखें 8-0 आपको इसके प्राइस में देखने को मिलेंगे। मार्केट रैंक मार्केट कैप के बेसिस पर 180 है। कॉइन जेको पर अगर हम CMC पर देखेंगे, वहां पर आपको कुछ और रैंक दिखाई देगी। यहां पर अगर हम बात करें लास्ट 24 आवर्स की, जो प्राइस था ऑलमोस्ट डबल 2 से लगाकर 19 तक गया हुआ है लोवेस्ट प्राइस। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर लास्ट 30 डेज के चार्ट की, तो यहां पर 30 डेज में भी जो प्राइस है वो अराउंड 28 से लगाकर आप देख सकते हैं 20 के बीच में घूम रहा है। मतलब लास्ट 30 डेज के ये लोवेस्ट प्राइस पर पहुंच चुका है। इससे पहले यहां पर 2 की रेंज को इसने पकड़ के रखा था, और अभी भी अगर आप देखें 2 की रेंज पर बना हुआ है। 90 डेज की अगर हम बात करें, तो यहां पर आप देख सकते हैं 90 डेज का जो प्राइस है उसके भी लोवेस्ट प्राइस, मतलब 3 मंथ के लोवेस्ट प्राइस पर यह पहुंच चुका है। अगर BTC यहां से बाउंस बैक करता है, 40,000 जो इसका मेजर सपोर्ट है, अगर वहां से बाउंस बैक करता है तो हमें बेबी डॉज के प्राइस में भी फिर से उछाल देखने को मिल सकता है। लोवेस्ट प्राइस यहां पर आप देख सकते हैं जिस पर अभी पहुंच चुका है, हाईएस्ट इसने टच किया ऑलमोस्ट 4-5, जिससे अभी काफी कम ये चल रहा है। मतलब लगभग यहां पर 50-60% इसका प्राइस डाउन में चल रहा है। अगर आप एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो DCA के थ्रू यहां पर कुछ क्वांटिटी में आप इस रेंज पर परचेस कर सकते हैं, और थोड़ा इंतजार अभी भी कर सकते हैं क्योंकि मार्केट यहां पर अभी थोड़ा स्टेबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऑल टाइम हाई से 58% कम चल रहा है। अगर आपको बाय करना है तो यहां पर आप 19 और 18 की सीरीज में इसे बाय कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल टाइम लो से अभी भी ये 2801%, मतलब 2800% ऊपर की ओर चल रहा है। और इसके अलावा बेबी डॉज कॉइन ने यहां पर एक काफी बड़ा माइलस्टोन कंप्लीट किया हुआ है। ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन मेंबर्स यहां पर जुड़ चुके हैं बेबी डॉज कॉइन से। इसका मतलब है जो होल्डर्स की संख्या है वो आप देख सकते हैं यहां पर 1.5 मिलियन हो चुकी है। 15 लाख होल्डर्स यहां पर बेबी डॉज कॉइन से जुड़ चुके हैं, और अभी भी अगर आप देखें यहां पर 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, और 1 साल में ही यहां पर एक काफी बड़ा माइलस्टोन बेबी डॉज कॉइन ने कंप्लीट किया है। अगर हम होल्डर्स की बात करें, होल्डर्स के मामले में यहां पर शिबा इनू कॉइन को पीछे कर दिया है। मतलब शिबा के जो होल्डर्स हैं उनकी संख्या ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन है, और अगर हम बात करें बेबी डॉज की 1.5 मिलियन के साथ यहां पर आप देख सकते हैं टॉप मीम क्रिप्टोकरेंसी बनता हुआ नजर आ रहा है। टोटल सप्लाई 420 क्वाड्रिलियन आप देख सकते हैं। इसके अलावा सप्लाई को यहां पर लगातार रिड्यूस किया जा रहा है। मतलब सर्कुलेशन में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट यहां पर 200 क्वाड्रिलियन के आसपास जो है वो रिड्यूस हो चुका है। लगातार यहां पर रिड्यूस जो हो रहा है सप्लाई, वो आप देख सकते हैं। मंथली यहां पर इसे बर्न किया जा रहा है, जिस वजह से यहां पर सप्लाई लगातार रिड्यूस हो रहा है। 3 से 4 तारीख में हर महीने में आप देखते होंगे यहां पर ऑलमोस्ट 3 से लगाकर 5 क्वाड्रिलियन टोकन्स को इनके द्वारा बर्न किया जाता है। अगर हम होल्डर्स की बात करें, करेंट होल्डर्स की संख्या लगभग 15,814 आप यहां पर देख सकते हैं, और इसके अलावा जो होल्डर्स है पर डे यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 500 से 700 होल्डर्स लगातार यहां पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की, आप देख सकते हैं यहां पर इन्होंने इसका नाम चेंज करके बेबी डॉज NFTs मिंट कर दिया है। यहां पर इनके द्वारा जो बेबी डॉज NFTs है वो लॉन्च की जाने वाली है 20 अप्रैल को, मतलब आने वाले कुछ दिनों में यहां पर NFTs को रिलीज किया जाएगा। टाइमिंग यहां पर शेयर की गई है 4:20 PM EST टाइम के अनुसार यहां पर ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और NFT मिंट डेट विल बी 24, जहां पर 20 अप्रैल को इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। व्हाइट लिस्ट विनर यहां पर नोटिफाई कर दिए जाएंगे, और उनकी लिस्ट को यहां पर साथ में एड्रेस के शेयर कर दिया जाएगा 15 अप्रैल को। मतलब जो भी यहां पर विनर्स होंगे उनका नाम यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। किस तरीके से आप एंटर कर सकते हैं उसके बारे में भी डिटेल्स यहां पर इन्होंने शेयर की हुई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं बेबी डॉज कॉइन के द्वारा NFTs को भी लॉन्च किया जा रहा है, और इसके साथ ही इनके इकोसिस्टम में भी डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहां पर होल्डर्स जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कम्युनिटी के बेसिस पर हम देखें, लगातार अगर हम कम्युनिटी के बेसिस पर देखें तो ये अब यहाँ पर काफ़ी बढ़ते हुए नजर आ रही है। मतलब किसी भी मीम क्रिप्टोकरेंसी में अगर आप देखें कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और बेबी डॉज कॉइन की अगर हम बात करें इनकी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अगर हम प्राइस प्रिडिक्शन की बात करें, अभी जो प्राइस आप देख रहे हैं 20 पर ट्रेड कर रहा है। BTC की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं BTC पर भी डिपेंड करेगा पूरा मार्केट। अभी आप देख सकते हैं BTC के डाउन में होने से यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 से 3 महीनों में इसका प्राइस देखें तो यहाँ तो इसका प्राइस जा सकता है 4 की रेंज में। मतलब
मतलब जो 2-0 आपको देखने को मिल रहा है ये यहाँ से उठते हुए ऑलमोस्ट 3-4 की सीरीज में जा सकता है। और अगर ऐसा होता है मतलब यहाँ पर इसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट आपको 30-50% का प्रॉफिट ये निकाल कर दे सकता है। लेकिन उसके लिए अभी यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली आपको प्रॉफिट हो जाएगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अपडेट्स काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा एक्सचेंजेस जिनके द्वारा अभी तक लिस्ट नहीं किया जा रहा है, काफ़ी सारे एक्सचेंजेस हैं जिन पर ये अवेलेबल नहीं है, मतलब अगर आपको बाय करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेनकेक स्वैप पर मिल जाएगा, OKX BKX पर मिल जाएगा। इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें सन क्रिप्टो पर अवेलेबल है जहाँ से आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं INR के पेयर में। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे इंडियन एक्सचेंजेस हैं जिन पर ये अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड एक्सचेंजेस भी हैं बड़े बड़े जिनके द्वारा अभी तक लिस्ट नहीं किया गया है। अगर उनके द्वारा लिस्ट किया जाता है तो इसका प्राइस हमें यहाँ पर 50-100% तक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में भी देखें तो यहाँ पर ये आपको इस रेंज में एक अच्छा प्रॉफिट निकाल कर दे सकता है, मतलब अगर आपको बाय करना है 17-20 की सीरीज में आप बाय कर सकते हैं और यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके सेल कर सकते हैं आने वाले 1-1.5 महीने में यहां पर जो इसका प्राइस है। इस प्रकार से अपडेट्स यहां पर देखने को मिल रही है बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और कोई भी अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, वहां पर भी आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। अब हम आपको मिलते किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।